वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट ट्रैकिंग टेम्पलेट्स और उन्हें आपको कैसे यूज करना है। तो आपने देखा होगा, जब भी हम नया कैंपेन बनाते हैं या जब भी हम नया एड बनाते हैं, या कई बार आपने देखा था जब हम एक्सटेंशंस बना रहे थे, तो वहां बार बार एक ऑप्शन आ जा रहा था विच वॉज ट्रैकिंग टेम्पलेट। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक अपने एग्जिस्टिंग कैंपेन में जाता हूं, अगर आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ कैंपेन में जाता हूँ और मैं ये एड ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं एड्स एंड एक्सटेंशंस में जाता हूँ और मैं प्लस करता हूँ, यहाँ से मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है यूआरएल ऑप्शंस, राइट। आप यहाँ देख सकते हो एड यूआरएल ऑप्शंस, राइट। इस यूआरएल ऑप्शन को अगर मैं क्लिक करूं तो आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ट्रैकिंग टेम्पलेट और कस्टम पैरामीटर, ठीक है, ट्रैकिंग टेम्पलेट और कस्टम पैरामीटर। तो हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये क्या होता है और इसका कैसे आपको यूज करना है, ठीक है जी। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं इसके बारे में। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ट्रैकिंग टेम्पलेट का यूज क्या होता है। तो ट्रैकिंग टेम्पलेट का यूज होता है, जैसे आप कोई भी एड रन करते हो, है ना, सपोज करो आप एड रन कर रहे हो, तो इस एड पे अब कोई यूजर क्लिक करेगा, है ना, इस एड पे कोई क्लिक हुआ, तो जैसे ही किसी यूजर ने क्लिक किया तो अब इस क्लिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, वो गैदर करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रैकिंग टेम्पलेट का, राइट। समझ गए आप ट्रैकिंग टेम्पलेट का यूज क्या होता है। तो ट्रैकिंग टेम्पलेट का यूज ये है, जैसे ही यूजर ने आपकी एड पे कोई क्लिक की तो अब हमें उस क्लिक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं ट्रैकिंग टेम्पलेट का। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आप कोई एड रन कर रहे हो और मैंने आपकी एड पे क्लिक किया, अब आप ये जानना चाहते हो कि मैंने कहां से क्लिक किया, मैं डिवाइस कौन सा यूज कर रहा था और भी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए क्या आप यूज करोगे, ट्रैकिंग टेम्पलेट, ठीक है। अब देखो ट्रैकिंग टेम्पलेट का यूज करने के लिए आपको करना क्या होता है, तो आप जैसे देखोगे ना यहाँ पे ट्रैकिंग टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप कुछ ऐसा कोड लिख सकते हो। आप एक बार इस लाइन को समझो, कोड नहीं है ये, एक ये सिंटेक्स है जो कि आपको यूज करना है। आपको क्या लिखना है, देखो कीवर्ड इज इक्वल टू कीवर्ड। अब ये जो आप देख रहे हो, जो मैंने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, ये कीवर्ड हो गया, ये मैच टाइप हो गया, और ये डिवाइस हो गया, और ये डिवाइस मॉडल हो गया, ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, ये आप फ्रेम नहीं कर सकते। अब मैं अपने मन से ये नहीं लिख सकता डेट इज इक्वल टू डेट, है ना, मैं अपने मन से ऐसे नहीं लिख सकता डेट इज इक्वल टू डेट, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, गूगल इसको समझ नहीं पाएगा, है ना। तो मैं बस उन्हीं चीजों को लिख सकता हूं जो कि प्री डिफाइंड है, राइट। प्लस मैं तीन चीजें जो हैं आप देख रहे हो कस्टम पैरामीटर, प्लस मैं कुछ चीजों को प्री डिफाइन भी कर सकता हूं, राइट, मैं कुछ चीजों को क्या कर सकता हूं, प्री डिफाइन भी कर सकता हूं। वो कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। तो देखो ट्रैकिंग टेम्पलेट जब भी आप यूज करो तो उसको यूज करने के लिए सबसे पहले किस चीज से आपको स्टार्ट करनी होती है, सबसे पहले आपको ये चीज लिखनी होती है, ये है एल पी यू आर एल, ये किसके अंदर होता है, ब्रैकेट के अंदर, ये इस ब्रैकेट के अंदर होता है एल पी यू आर एल, और उसके बाद लिखना होता है आपको क्वेश्चन मार्क, राइट। तो जब भी आपको ट्रैकिंग टेम्पलेट का यूज करना है तो आपको ये ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे आप इसको यहाँ पे पेस्ट करोगे सबसे पहले, तो क्या पेस्ट करोगे, तो एल पी यू आर एल, पहले तो आप ये ब्रैकेट बनाओगे, ठीक है, देन एल पी यू आर एल, देन आप करोगे ब्रैकेट क्लोज, देन आप डालोगे क्वेश्चन मार्क, राइट। अब उसके बाद सपोज करो आपको चाहिए कीवर्ड की इंफॉर्मेशन, राइट। अब ये देखो ये कुछ प्री डिफाइंड चीजें हैं जो गूगल प्रोवाइड करता है, ये मैं आपको जो शीट है ये वीडियो के नीचे डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। काफी सारी चीजें हैं जो गूगल आपको प्री डिफाइंड प्रोवाइड करता है, जो इंफॉर्मेशन आप क्लिक से रिलेटेड पा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज गूगल जो आपको प्रोवाइड करता है वो कराता है कीवर्ड, कि किस कीवर्ड से ये क्लिक आया, तो ये इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपको क्या करना है, एल पी यू आर एल क्वेश्चन मार्क, और हमें चाहिए कीवर्ड, है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कीवर्ड
इज इक्वल टू, और देन देखो यहां पे कीवर्ड प्री डिफाइंड है तो इसको मैंने कॉपी किया और यहां पे मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब साथ में मुझे किस चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, सपोज करो डिवाइस की, कि भैया मोबाइल डिवाइस है कि नेटवर्क मोबाइल डिवाइस है, मोबाइल है कि डेस्कटॉप है कि क्या है, मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अभी तक क्या इंफॉर्मेशन ले रहा था मैं, कीवर्ड इज इक्वल टू कीवर्ड, अब मुझे डिवाइस की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, तो मैं यहां पे डालूंगा एंड। ठीक है, एंड अब यहां पे मैं लिखूंगा डिवाइस इज इक्वल टू, ये मैंने डाल दिया डिवाइस, राइट। अब साथ में सपोज करो मुझे डिवाइस मॉडल का भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या करूंगा बताओ, एड एंड, और मैंने लिख दिया डिवाइस मॉडल इज इक्वल टू, यहां से मैंने उठाया डिवाइस मॉडल और यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया, राइट। अब सपोज करो मुझे नेटवर्क इंफॉर्मेशन भी चाहिए, तो अगेन बहुत ही सिंपल है, एंड नेटवर्क इज इक्वल टू, यहां से उठाया नेटवर्क और इसे कर दिया पेस्ट। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप जस्ट उठाओ और यहां पेस्ट कर दो। अब यहां पे देखो, अभी तक यहां पे क्या लिखा है मैंने, बस एलपी यूआरएल क्वेश्चन मार्क, अब मैं ये बाकी चीजें यहां पे लिख देता हूं, क्या कीवर्ड और ये सारी चीजें, ये उठाते हैं यहां से और यहां पे लिख देते हैं, ये सारा लिख दिया। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, टेस्ट ये यूआरएल सही है कि नहीं मेरा, है ना, तो इसको ऐसे करो टेस्ट, अब जस्ट मैंने टेस्ट क्लिक किया है, अब मैं ये यूआरएल टेस्ट कर सकता हूं, देखो यहां पे आ गया ना लैंडिंग पेज फाउंड, मतलब एकदम सही है, और ये देखो यूआरएल कितना ये बेकार से यूआरएल आ गया, तो इसको क्लिक करोगे तो ये पेज खुल जाएगा। राइट, दिख रहा है आपको, आ रहा है ना कीवर्ड इज इक्वल टू कीवर्ड, अब ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल आपको सेंड करेगा, देखो आ रहा है यहां पे, ये मैंने ट्रैकिंग टेम्पलेट लगा दिया है, बिल्कुल परफेक्ट। अब सपोज करो कि आप दो तीन चीजें हैं जो खुद आप बनाना चाहते हो, जो गूगल ने आपको प्रोवाइड नहीं किया बट आप उसे भी यूज करना चाहते हो। ठीक है, गूगल ने तो ये कुछ प्री डिफाइन चीजें आपको बनाई है, ये कैंपेन आईडी, एड ग्रुप, मैच टाइप, ये सारी मैं नीचे लिस्ट दे दूंगा, आप वहां से यूज कर सकते हो, बट सपोज करो आप दो तीन पैरामीटर कस्टम क्रिएट करना चाहते हो, वो गूगल ने आपको नहीं बताया, आप कस्टम क्रिएट करना चाहते हो, अपनी तरफ से क्रिएट करना चाहते हो, कुछ कस्टम पैरामीटर्स बनाना चाहते हो, तो वो आप कैसे बनाओगे, अगेन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कस्टम पैरामीटर का नाम लिखना है, तो सपोज ये मैं डालना चाहता हूँ नाम यहाँ पे एड, या फिर सपोज करो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कैंपेन स्टार्ट डेट। ठीक है, कैंपेन स्टार्ट डेट, ये मैंने एक अपनी तरफ से पैरामीटर बना दिया, मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, और वैल्यू इज इक्वल टू मैंने डाल दी सपोज करो जनवरी 11। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से एक पैरामीटर डाल दिया कैंपेन स्टार्ट डेट, और जब भी मैं बोलूं कैंपेन स्टार्ट डेट इसका मतलब क्या है, जनवरी 11। अब ये इंफॉर्मेशन भी मैं चाहता हूं गूगल से, ठीक है, ये वाली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन अब ये मुझे यूज करना है, बट ये कैंपेन स्टार्ट डेट गूगल का प्री डिफाइंड नहीं है, तो अब इसको मैं कैसे यूज करूंगा, अगेन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो ये जो मेरा ऊपर जो मैंने कस्टम पैरामीटर बनाए थे, ऊपर जो मैंने ट्रैकिंग टेम्पलेट बनाए थे एट द रेट नेटवर्क तक था, अब मुझे इसको आगे और यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें सिंपल डाल दूंगा सबसे पहले तो एंड, ठीक है, और देन मैं आगे क्या डालूंगा, स्टार्ट, या फिर मैं आगे लिख देता हूं कैंपेन स्टार्ट डेट इज इक्वल टू, यहां पे देखो मैंने क्या यूज किया है, कैंपेन स्टार्ट डेट, है ना, तो जो मैंने यहां पे यूज किया है एग्जैक्टली इसको ऐसे ही यूज करना है आपको, इज इक्वल टू ब्रैकेट बनाओ और ये यूज करो और आप इसको ऐसे बंद कर लो। ठीक है, हो गया सिंपल, और सपोज करो आप और बनाना चाहते हो, तो सपोज मैंने बना दिया मेड बाय और आगे मैंने कर दिया दीपक। ठीक है, अब मेड बाय का मतलब क्या है, दीपक, अब ये इंफॉर्मेशन भी चाहता हूं, है ना, तो सपोज मैंने यहां पे किया एट और मैंने किया क्रिएटर और इज इक्वल टू सिंपल और देन मैंने ब्रैकेट बनाया और यहां पे मैंने लिखा यहां पे मेड बाय और यहां पे मैंने डाल दिया मेड बाय और ब्रैकेट को कर दिया मैंने बंद। राइट, अब यहां पे मैं कहां तक इंफॉर्मेशन पहले लिख चुका था, मैं नेटवर्क तक लिख चुका था,
अब मुझे आगे का डालना है तो मैंने यहां से कॉपी किया, बाकी कॉपी, और एक बार वापस चलते हैं नेटवर्क पे, यहाँ नेटवर्क आ गया और यहां पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। और इसको यहां से कर लेते हैं टेस्ट। देखो यहां पे प्रॉब्लम आ रही है कुछ, लैंडिंग पेज नॉट फाउंड आ रहा है ना, यहाँ पे मतलब हमने जो बनाया है वो सही नहीं है, कुछ दिक्कत है, तो इसको अब हम जाके सही करते हैं। एक बार देखते हैं लैंडिंग पेज नॉट फाउंड क्यों आ रहा है। एक बार देखते हैं, एक काम करते हैं, ये था हमारा, एक बार इसको चेक करते हैं, ये क्या था, ये सही लिखा था हमने कैंपेन स्टार्ट डेट है ना, और इसको हमने यहां पे डाल दिया था एंड कैंपेन स्टार्ट डेट इज इक्वल टू कैंपेन स्टार्ट डेट और क्रिएटर इज इक्वल टू मेड बाय, ये स्पेलिंग देख लो MADE बाय मेड बाय, अब बिल्कुल सही लिखा था। तो एक काम करते हैं यहां से इसको पूरा URL हम पूरा कॉपी करते हैं दोबारा, सारा कॉपी, और हम यहां से ट्रैकिंग टेम्पलेट हटाते हैं और फिर यहां पे ट्रैकिंग टेम्पलेट डाल देते हैं और इसको करते हैं टेस्ट, फिर से टेस्ट करते हैं। अब देखो अब सही आ रहा है, ठीक है, लैंडिंग पेज फाउंड आ रहा है। अब इस पे क्लिक करो, अब देखो आ रहा है एकदम परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आ रहा है हमारा लैंडिंग पेज फॉर्म, कोई टेंशन नहीं, राइट। तो ये बेसिकली क्या था, ट्रैकिंग टेम्पलेट। अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हो गूगल को तो वो आप इन्फॉर्मेशन थ्रू ट्रैकिंग टेम्पलेट भेज सकते हो। स्टैंडर्ड ट्रैकिंग टेम्पलेट में आप वही पैरामीटर यूज कर सकते हो जो गूगल प्रोवाइड कराता है, जो इन्फॉर्मेशन गूगल आपको प्रोवाइड नहीं कराता वो इन्फॉर्मेशन आप थ्रू कस्टम पैरामीटर के बना के अपने पास भेज सकते, राइट। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा है, बट अगेन 90% ऑफ द टाइम्स आपको ये यूज करने की जरूरत नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स। आप जस्ट सिंपल अपना ऑटो टैगिंग और जो बाकी हमने ट्रैकिंग अब से पहले की थी, जस्ट आपको वो अनेबल कर देना है और ये आपको ट्रैकिंग टेम्पलेट अगर आप यूज करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने समझाया। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल तरीके से भी काम बन जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के नीचे मैं आपको ये यहां से मैं उड़ा देता हूं, इस चीज को मैं हटा देता हूं यहां से, आपको मैं ये चीजें, ये जो बाकी पैरामीटर्स हैं जो गूगल प्रोवाइड कराता है वो आपको इस शीट के अंदर मैंने डाले हुए हैं, आप इस वीडियो के नीचे से इसे चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।